आज दिनांक 17/9/2020 को मंदिर बाबा शालिग्राम जी नई मंडी स्टेशन रोड विप्रो फाउंडेशन भरतपुर की ओर से श्राद्ध पक्ष अमावस्या 17/9/2020 को कोरोना के कारण जिन भी सर्व समाज के लोगों की मृत्यु हुई है ऐसे सभी आत्मा की शांति के लिए विप्रो फाउंडेशन भरतपुर नारायण पूजा एवं गीता पाठ अनुष्ठान हवन सर्व पितृ दिवस 17/9/2020 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सम्पन्न किया गया। 12 बजे शिवपुर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों सामूहिक गीता पाठ प्रारंभ किया। इसके पश्चात वेद पाठी पंडित जी द्वारा हवन कराया गया। काल को प्राप्त हुए समय के लिए भगवान से प्रार्थना की, जो काल को प्राप्त हुए समस्त दिग्वंत आत्माओं के लिए भगवान से आत्मा की शांति के लिए सभी से सामूहिक आहुति दी। भगवान नारायण से प्रार्थना की कि वह इस महामारी के कारण जो काल को प्राप्त हुए हैं भगवान हरि अपने श्री चरणों में जगह दे देकर मोक्ष दें। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन युवा प्रदेश अध्यक्ष इंदु शेखर शर्मा ने कहा, विप्र फाउंडेशन को देश की सामाजिक समरसता को बढ़ाना है। विप्र फाउंडेशन सर्व भवंतु सुखिना के मंत्र को लेकर ही कार्य करता है। इसी क्रम में सर्व समाज के लोगों की जो मृत्यु हुई है उन सबकी आत्मा की शांति के लिए हम सब यहाँ प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हम सबकी विनती स्वीकार करे। इस कार्यक्रम में गंगा राम पारासर, दयानंद पचौरी, विनोद बिहारी, भरद्वाज इंदु, शेखर शर्मा, अभिषेक तिवारी, ब्रजभूषण पारासर, ताराचंद शर्मा, सुरेश शर्मा, अमृत भरद्वाज, हरिओम शर्मा, हरिओम प्रकाश शर्मा, बंटू भाई, विपुल शर्मा, अशोक शर्मा, देवाशीष भरद्वाज, उमेश पारासर, सौरभ भरद्वाज, राज कौशिक, अजीत भरद्वाज, कृष्ण शर्मा आदि विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशेष आगंतुक ब्राह्मण सभा भरतपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश शर्मा, जिला मंत्री इंजीनियर जीवनलाल शर्मा, डॉक्टर सुनील पारासर पार्षद चंदा पांडा, डॉक्टर लोकपाल सिंह भरतपुर से मंडल ब्यूरो चीफ श्री शंभु लवानिया जी की खास रिपोर्ट। विप्रो फाउंडेशन शुरू से ही समाज के लिए कार्य करता रहा है। आज कोरोना काल में जितने भी लोगों की मौत हुई है उन सबकी आत्मा की शांति के लिए विप्रो फाउंडेशन सब पूरे देश में अपने अपने जिले स्तर पर सभी की आत्मा की शांति के लिए नारायण पाठ और गीता पाठ का आयोजन किया गया है और हवन पाठ हवन कराया गया है। नाम बताइए। इंदु शेखर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष।